और 2026 में डिलिमिटेशन होगा, और जब ये डिलिमिटेशन होगा और हम लोग त्रिपुरा जैसा आज है वैसा रहेगा तो हमारा भविष्य नहीं है। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, कोई भी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, कोई भी हो, नेता हो, आपका पार्टी आपका जाति से बड़ा नहीं हो सकता है। आज इस मंच से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बात बोलना चाहता हूं। हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, मेमोरेंडम इंग्लिश में जाएगा, कॉकबोरोक में जाएगा, हिंदी में भी जाएगा, और मेमोरेंडम में हम लोग ने नहीं बोला ये दे दो, वो दे दो, रंग दे दो, यहां में वो कर दो, नहीं, हमने सिर्फ सिंगल पॉइंट डिमांड रखा है, हमको त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। क्योंकि अगर हम हमेशा अलग अलग डिमांड जाके दिया हमने तो क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है पॉइंट नंबर 4 रख लो, 3 रख लो, त्रिपुरा लैंड को छोड़ दो। नहीं, अब सिंगल पॉइंट डिमांड है, सिंगल पॉइंट डिमांड। आज आप लोग थके हुए हैं, जाके आराम करो, कल आपके अंदर जोश होना चाहिए, कल यहां में रैली भी होगा, और कल ऐसा इतना आवाज करो, पार्लियामेंट सामने है, उनको भी लगना चाहिए कि राज्य छोटा है त्रिपुरा का, हम लोग का राज्य छोटा है, हम लोग बुकुंग बड़ा है, लेकिन जब त्रिपुरा सा का थनसा होता है 5000 साल तक किसी ने हमको हराया नहीं। आज अगर त्रिपुरा सा एक हो गया, एक ही मंच में हमारा मेवार, एक ही मंच में ऋषिकेतु, कमल, गणेश, विजय रामखोल, चित्तो बाबू, सब लोग यहां में एक मंच में, जगदीश देव वर्मा, सब लोग, पार्टी अलग हो सकता था, आईएनपीटी, टीएसपी, आईपीएफटी, त्रिपुरा मोथा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वन लास्ट फाइट अगर एक होके हमने किया, एक पार्टी बनके किया, सब लोग बोलता है आप लोग तो सिर्फ 30% है, ये 30% अगर एक हो जाए ना तो 3000 लोग भी हमारे सामने हो, हम लोग अकेला, अगर 3 लाख आदमी हो, 30 लाख आदमी हो, अगर हम लोग एक हो गया तो मैं आपको बोल रहा हूं 2023 में विदाउट कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज फॉर त्रिपुरा लैंड हम लोग फाइट करके रहेंगे। और अगर किसी ने हमको धोखा दिया, किसी ने गद्दारी किया, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, यहां में इतना बुरी लोग है, हम लोग का आपको एमएलए बना देगा, यहां में इतना सिकला है, हम लोग का चला है, आप लोग को एमएलए बना देगा। लीडर नहीं चाहिए हम लोग को, लीडर नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड या त्रिपुरा लैंड चाहिए।